और इनको मान सम्मानजनक जो है संगठन में पद भी जो एक दो दिन में जारी हो रहे हैं इनके, और मैं उम्मीद करता हूं कि इनके आने से कांग्रेस में जो है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हम बहुत आभारी हैं कि डॉक्टर बायती जी को, जो पूर्व विधायक पुष्कर है, और हमारे वाजिद भाई चीता जो बसपा के प्रदेश महामंत्री हैं, उनको जो है कांग्रेस पार्टी में आज शामिल किया है, और इनको मान सम्मानजनक जो है संगठन में पद भी जो एक दो दिन में जारी हो रहे हैं इनके, और मैं उम्मीद करता हूं कि इनके आने से कांग्रेस में जो है अजमेर ज़िले में एक तूफान आएगा, क्रांति आएगी, जोश आएगा, और हिम्मत और साहस से कार्यकर्ता जुटेंगे, कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीतेगी। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो संबोधित करें। मैं सर्वप्रथम कांग्रेस नेतृत्व में हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी डोडासरा साहब और पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी और RTDC के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र जी और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय भूपेंद्र जी और हमारे लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सम्मान के साथ कांग्रेस पार्टी में और अपने परिवार में शामिल किया। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, और एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर चुनाव लड़ेगा, मेहनत करेगा, और निश्चित रूप से हम रामचंद्र जी चौधरी साहब को संसद में भेजने का पूरा प्रयास करेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें रामचंद्र चौधरी जी जाएंगे और हमारे अजमेर की समस्या और हमारे अजमेर की बात को रखेंगे। हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी जी की अनुशंसा पर मुझे और भाई वाजिद को आज कांग्रेस में पुनः शामिल किया, इसके लिए प्रदेश कांग्रेस का और सभी नेताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। निश्चित रूप से वर्तमान में जो हालात देश के हैं, आज आप लोगों ने इंडिया की मीटिंग देखी, इसकी इंडिया की मीटिंग देखी होगी दिल्ली की, सारे दल वहाँ थे, और जो पीड़ा उनकी थी उसको देखते हुए बहुत आवश्यक है कि अजमेर का सांसद इंडिया दल गठबंधन का बने, रामचंद्र चौधरी बने, क्योंकि रामचंद्र चौधरी हमारे देखे वाले हैं, हमारी पहचान है। और आपको ये बता दूं, अजमेर के चुनावी इतिहास में पहली बार कोई अजमेर का आया जन्मा कैंडिडेट बना है। तो आप सब लोगों से मेरी अपील है, पत्रकार बंधुओं से भी और आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील है कि हम रामचंद्र चौधरी को भारी मतों से जिता करके दिल्ली भेजें, ताकि शहर का विकास हो। जिस प्रकार डेयरी आज नॉर्थ इंडिया में अव्वल है, वैसे नॉर्थ इंडिया में अजमेर अव्वल आएगा, ऐसा हम सबका विश्वास है।